डोईवाला टप्पेबाजी की घटना के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर राकेश सिंह गोसाई ने बताया कि 12 फरवरी को चंदा देवी नाम की एक महिला डोईवाला चौक से अपने घर बेरठ जाने के लिए खड़ी हुई थी, तभी गहरे हरे रंग की बोलेरो जीप में बैठे कुछ व्यक्तियों ने उसे अपने साथ लिफ्ट देने के बहाने बिठा लिया और उसके बैग से 40,000 रुपए की नकदी उड़ा ली। मुखबिर की सूचना पर आज लालतप्पर चौकी से इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त गहरे हरे रंग की बोलेरो कार भी बरामद कर ली गई है। और 12 तारीख की घटना है कि जिसमें कि पति पत्नी थे श्रीमती चंदा, इन्होंने 14 तारीख को थाने में बताया था कि 12 तारीख को जब अपने वहाँ गांव मेरठ जा रहे थे तो एक बुलेरो गाड़ी ने इनको लिफ्ट दी और उसमें से जब ये उतरे वहाँ से तो उसमें से 40,000 रुपये इनकी चोरी कर लिए गए थे। तो इस सूचना पर SSI को ये वीटनेस सबूत की हुई थी, उनके द्वारा फिर काफ़ी सुराग सी तलाशी करते हुए जो आज दिन में जब लालतप्पड़ गेट पे वादी के साथ मिलकर जब चेकिंग वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये गाड़ी वही है, उसमें जो बैठे थे 4 लोग वो हैं, उनसे 34,000 के आसपास की रिकवरी हुई है, जिसमें से 4 मुलजिम ये गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि मुख्य इनका सहजाद था, मेन यही सब काम करता था और बाकी सबको अपने साथ गैंग में बना के ये लोग ये काम करते थे। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये सभी लोग? बिजनौर के रहने वाले हैं। बिजनौर में अलग अलग जगह के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के ये रहने वाले हैं। मेनली ये अटैची चोरी का ही काम करते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? एक के खिलाफ तो मुकदमा दिल्ली में गांधीनगर में मुकदमा है, बाकी जो 2 हैं उन्होंने पटना बिहार की तरफ भी उन्होंने कुछ काम किए हैं इसी टाइप के। अब क्या कार्रवाई की जा रही है, किन मामले में? इन लोगों को इसमें अरेस्ट कर दिया गया है। साथ में जो बुलेरो थी, बुलेरो में उन्होंने गलत नंबर प्लेट लगाई थी, जिसमें 420 की धारा बढ़ाई गई है और वो सील कर दी गई है। अब इनको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश कराया जाए।